बुद्ध के दो नाम वेदनाओं पर पड़े हुए हैं, वेदंतगु और वेदंत पारगु। बुद्ध को जो अगर हम ये कहें कि बुद्ध के कितने नाम हैं, दो नाम और ऐड होते हैं, वेदंतगु, वेदंत गु और वेदंत पारगु। आप ध्यान अगर देंगे तो वेदंत गु है, यानी कि जो वेद के अंत तक जानकारी रखता है। गु से गुरुजी बना हुआ है, वेदंत गु। और बाद में वेदंत गु को विष्टा यानी कि टट्टी बोला गया, इसको गाली बनाया गया, जबकि गु गाली नहीं है, गु का मतलब गुरुजी होता है। मगर चूंकि ये बुद्ध के नाम के साथ जुड़ गया था, वेदंत गु बोलते थे, इसलिए वेदंत गु को विष्टा यानी कि टट्टी बता के या लैटिन बता के इसको बहुत ज्यादा सड़ा हुआ और बेकार शब्द बनाया गया। वेदंत गु एक बुद्ध का नाम है। और वेदंत पारगु, पारगु का मतलब है पूरी तरह से गुरुजी, वेद के अंत के पूरी तरह से गुरुजी, यानी जितनी शरीर पे वेदनाएं हैं अंत तक की वेदनाएं वो जानते थे, तभी वो सम्यक संबुद्ध बने। तो वेदंत गु और वेदंत पारगु, यानी गु जो शब्द है वो गुरु के लिए यहां नोटिफाइड है और यहां गु के लिए जाना जाता है, इसलिए गु कोई टट्टी को नहीं बोलते, गु का मतलब गुरुजी होता है। धन्यवाद।